A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 8th of October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Handling Complexity. Dekho, handling ka matlab hota hai kisi cheez ko manage karna, deal karna. Complexities ka matlab ho gaya jatilta. यानी जटिलता को क्या करना, उसको मैनेज करना या हैंडल करना. ऑन 2021 यानी 2021 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो किस डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, फिजिक्स के अंदर. तो 2021 का जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स के अंदर, यहाँ पर ये जो नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर मिला है, फिजिक्स मतलब भौतिकी विज्ञान, तो इसके अंदर ये नोबेल जो प्राइज मिला है वो तीन लोगों को मिला है और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर रिमार्केबल रहा और जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में आज स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखिए, द फिजिक्स भौतिकी विज्ञान नोबेल विनर्स, मतलब जो फिजिक्स के जो नोबेल विनर्स है, नोबेल प्राइज विनर्स हैं, हैव डेवलप्ड, उन्होंने डेवलप किया है, उन्होंने विकसित किया है टूल्स टू गेट ए हैंडल ऑन कॉम्प्लेक्स सिस्टम. मान लो जितने भी कॉम्प्लेक्स ये सिस्टम है या जितनी भी प्रणालियां हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसको समझने में उन्होंने उन टूल्स को क्या किया, डेवलप किया, उन टूल्स को विकसित किया है जिससे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से समझा जा सकता है. Bringing to a close speculation, bringing का मतलब होता है लेकर आना, to a close speculation. Speculation का मतलब हो गया guess, अंदाजा. About the winner of physics Nobel Prize this year, मतलब ये जो जितने भी जो physics जिनको Nobel Prize मिला है, अगर उनकी speculation को, अगर उनका जो guess था, जिन्होंने उन्होंने अपनी स्टडीज के अंदर जो गैसेस बताए थे, अपनी स्टडीज के अंदर जो उनका एक्सपेरिमेंट था, उन एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए उन सभी को क्या मिला, फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला है इस साल. और उनकी क्या स्टडी थी वो आगे हम इस आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं. द नोबेल कमेटी डिसाइडेड, और जो नोबेल प्राइज की जो कमेटी है उसने डिसाइड किया टू अवार्ड, मतलब अवार्ड दिया जाएगा किनको, ट्राइयो का मतलब यहाँ पे हो गया थ्री पर्सन, तीन लोगों के लिए, ऑफ रिसर्चर, और ये जो रिसर्चर्स हैं तीनों जिन्होंने अपना फिजिक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया, एट द सेम टाइम उन्होंने इस तरह की थ्योरी और इस तरह का रिसर्च किया जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है उनको किस तरीके से समझा जा सकता है. वन हाफ वेंट टू संयुक्त कुरो मनाबे और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएस, और उनमें से जो हाफ जो अगर बात की जाए नोबेल प्राइज है वो संयुक्त कुरो मनाबे नाम के जो एक रिसर्चर है उनको गया, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए के अंदर है. तो उस रिसर्चर को मतलब आधा नोबेल प्राइज उनको मिला. एंड केलोस हैसलमैन ऑफ द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मैट्रियोलॉजी हैमबर्ग जर्मनी. और दूसरा अगर बात की जाए जो रिसर्चर था जिनको नोबेल प्राइज मिला वो है केलोस हैसलमैन उनका नाम है, और वो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रियोलॉजी. मेट्रियोलॉजी का मतलब होता है देखिए वेदर फोरकास्टिंग, ये जो हम वेदर का फोरकास्ट करते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में से वो थे, और जगह का नाम है हैमबर्ग और वो जर्मनी के अंदर आती है. तो उनके दूसरे रिसर्चर थे जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है फॉर देयर वर्क क्लाइमेट साइंस, और इन दोनों ने मतलब क्लाइमेट साइंस को लेकर, क्लाइमेट का मतलब जलवायु और साइंस विज्ञान हो गया. तो जिस तरीके से हमारे क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आते हैं, तो जो जलवायु है तो उसके विज्ञान के कंट्रीब्यूशन के लिए उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है. इन द लॉन्ग लाइन ऑफ रिसर्चर्स हु एस्टिमेटेड द वार्मिंग ऑफ द एटमोस्फियर Due to gases in it, और मतलब बहुत सारे ऐसे researchers हैं जिन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस बात की estimate किया, इस बात का अंदाजा लगाया कि किस तरीके से warming का मतलब
गर्म होना, वार्मथ ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, किस तरीके से वो गर्म हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अगर बात करें ड्यू टू गैसेस इन इट, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें बहुत सारी गैसेस है और उन गैसेस की वजह से हमारा जो टेम्परेचर कह सकते हैं एटमॉस्फेयर का, हमारे जो वातावरण का जो टेम्परेचर है किस तरीके से वार्म हो रहा है, किस तरीके से गर्म हो रहा है। सयू कोरो मनावे मॉडलिंग, मॉडलिंग का मतलब यहाँ पे पर्सोनेशन, मतलब ढांचा कह सकते हो एक तरीके से। इन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब हो गया एक्ट ऑफ वर्किंग जॉइंटली, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर, विद अदर्स एंड ओवर डिकेड्स, दशकों तक, इज ए क्लासिकल वर्क। क्लासिकल मतलब आप बोल सकते हो एक्सीलेंट वर्क। तो सयुकुरो मनाबे का जो स्ट्रक्चर था, उसका जो मॉडलिंग था, जो सैंपलिंग सैंपल था उनका, उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके दशकों तक उसके ऊपर काम किया है और उसने क्या दिखाया, उनका जो मॉडल है दैट शोड इवन इन दी 1960, और उन्होंने इस बात को बताया कि 1960 के अंदर भी द एटमॉस्फेयर वुड अंडरगो अनदर 2.3 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग विद द डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट। कंटेंट का मतलब हो गया एलिमेंट और अंडरगो का मतलब हो गया पास ऑफ, से गुजरना। तो उनकी स्टडी के हिसाब से 1960 की अगर बात की जाए तो उस वक्त भी हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो किस चीज से गुजर रहा था, 2.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो और भी ज्यादा गर्म हो गया था विद अ डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट। और ऑब्वियसली बात है इसके पीछे जो हमारा जो 1960 की, मतलब उन्होंने स्टडी के हिसाब से बताया, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो लेवल है वो डबल हो गया और गैसेस के बढ़ने की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, उसमें क्या हो गया, वो गर्म हो गया। तो यही एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये जो स्टडी है काफी हेल्पफुल होने वाली है और ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं सबसे पहले हैव डेवलप्ड, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। टू अवॉर्ड, टू प्लस वी वन आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। हु आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो रिसर्चर यहाँ पर आपका एंटीसीडेंट हो गया और वर्ब हमेशा आपकी एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। यहाँ पर आपने एस्टिमेटेड यूज कर लिया जो कि आपका वी टू है। इसके बाद वुड अंडरगो, देखो वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया। जनरली मॉडल वर्ब के बाद हम बेस फॉर्म यानी वी वन का यूज कर लेते हैं और अंडरगो का मतलब हो गया पास ऑफ, मतलब किसी चीज के अंदर से गुजरना। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। कैलोस हैसलमैन और दूसरे जो भौतिकी विज्ञान के जो रिसर्चर थे कैलोस हैसलमैन आइडेंटिफाई, उन्होंने इस चीज का पता किया, आइडेंटिफाई किया अ वे ऑफ ट्रीटिंग द रैंडम, रैंडम मतलब इरेगुलर, अनियमित नॉइज लाइक वेरिएशन, जो नॉइज होती है उसके अंदर जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन का मतलब डिस्पैरिटी, अलग अलग तरीके से जो नॉइज क्रिएट होता है ऑफ द वेदर, हमारा जो मौसम है उस मौसम के अंदर अगर नॉइज लाइक वेरिएशन, जो अलग अलग तरीके से जो नॉइज क्रिएट होती है, डिवाइजिंग, डिवाइस का मतलब हो गया यहाँ पे एक तरीके से इन्वेंट करना, आविष्कार करना, अ मेथड ऑफ, उन्होंने एक ऐसा, कैलोस हैसलमैन ने एक ऐसा, मतलब क्या किया, उन्होंने एक ऐसा मेथड इजाद किया, इन्वेंट किया टू जनरेट, जिससे जनरेट मतलब प्रोड्यूस करना यूजफुल सिग्नल्स। और ये जो मेथड है वो क्या कर सकता है वो हमें ऐसे यूजफुल सिग्नल्स दे सकता है ऑन द स्केल ऑफ द क्लाइमेट, मतलब जो हमारा जलवायु है, हमारा जो क्लाइमेट है, किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हमें सिग्नल दे सकता है। तो इससे हमें क्लाइमेट को समझने के अंदर बहुत आसानी होगी। ऑफ इंटरेस्ट वॉज, दिलचस्पी की बात अगर बात की जाए, ऑफ इंटरेस्ट वॉज यानी दिलचस्पी वाली बात की जाए वॉज द वे दीज मॉडल्स कुड शो द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन क्लाइमेट। और इंटरेस्टिंगली अगर बात की जाए तो ये जो मॉडल्स की बात की गई है, हमने जो अभी डिस्कस किया है,
ये मॉडल्स क्या दिखा सकते हैं, कुछ शो ये दिखा सकते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन क्लाइमेट, कि किस तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो हमारा जो क्लाइमेट है, जो हमारा जलवायु है, उसको किस तरीके से इंपैक्ट करता है, किस तरीके से उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। द अदर हाफ ऑफ द प्राइज, और जो आधा प्राइज जो मिला था नोबेल प्राइज, गॉर्जियो पारिसी फ्रॉम सेपनीजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इटली, मतलब गॉर्जियो फारसी नाम का पारसी नाम का जो एक रिसर्चर था उनको भी, जो कि स्पेंजिया यूनिवर्सिटी से है, रोम के अंदर वो जगह है और इटली वहां पर कंट्री है, तो वहां से वो बिलोंग करते हैं, इज डेवलपिंग, और उन्होंने डेवलप किया अ मेथड टू सेंसिबल तरीके से स्टडी कॉम्प्लेक्स कंडेंस्ड मैटर कह सकते हो आप। यहाँ पर कंडेंस्ड का मतलब हो गया वैसे कॉन्ट्रैक्टेड, यहाँ पर कंडेंस्ड का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीके से सघन, आपस में जुड़ा हुआ सॉलिड मैटर सिस्टम कॉल्ड स्पिन ग्लासेस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक टिपिकल एक फिजिक्स थ्योरी यहाँ पर यूज की गई है, स्पिन ग्लासेस। तो यहाँ पर जो जॉर्जियो पारसी है उन्होंने एक स्पिन ग्लासेस के नाम से एक थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी के अंदर उन्होंने कॉम्प्लेक्स कंडेंस मैटर को किस तरीके से समझा जा सकता, उन्होंने इस थ्योरी के ऊपर उन्होंने अपना विचार रखा था। एन आउटस्टैंडिंग फीट, फीट का मतलब, और उसके फीट का मतलब हो गया अ नोटेबल अचीवमेंट, और उनका ये जो थ्योरी था वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जिसको बहुत ज्यादा कामयाबी मिली इन बोथ मैथमेटिकल एंड फिजिकल इनोवेशन। और अगर बात की जाए उनकी जो थ्योरी है स्पिन ग्लासेस, तो उसको मैथमेटिकल यानी गणित के अंदर अगर बात की जाए, या फिजिकल इनोवेशन जो भौतिकी जो विज्ञान है उसके इनोवेशन के लेकर, उसके आविष्कार को लेकर, यानी उसका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। द आइडिया टू ब्रेक व्हाट इज कॉल्ड रेप्लिका सिमेट्री, देखो रेप्लिका सिमेट्री भी आपका एक फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, जिसका मतलब हो गया द ट्रांजिशन टू ग्लासी फेज सिग्नल बाय रेप्लिका सिमेट्री ब्रेकिंग। तो यानी ये जो है ये भी एक फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, जिसके अंदर लाइक यू नो स्पिन ग्लासेस को जो थ्योरी हुई थी, वैसे रेप्लिका का मतलब होता है डुप्लीकेट, सिमेट्री का मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज को एज इट इज कॉपी करना या एज इट इज उसको फॉलो करना, सीन इन स्पिन ग्लास। तो मतलब जो ये स्पिन ग्लास की जो थ्योरी हुई थी उसके अंदर ये रेप्लिका सिमेट्री नाम का जो एक थ्योरी है वो देखने को मिला था। इन अ कंसिस्टेंट मैनर विच वॉज हिज कंट्रीब्यूशन लेड टू अ मैथड टू स्टडी वन ऑफ द सिंपलेस्ट मैथड मॉडल्स ऑफ जनरली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और मतलब उनके इस थ्योरी से, यानी उनकी उस थ्योरी से क्या हुआ, जो सबसे बड़ा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जिसको समझना बड़ा मुश्किल था, उन्होंने उसको बड़े ही सिंपल तरीके से उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल तरीके से समझा दिया, राइट। तो ये थोड़ा आज फिजिकल, मैं आगे बात की जाए फिजिक्स बेस्ड थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, जो कि अपने साथ जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ बेस फॉर्म लेकर चलता, तो यहाँ पे वी वन आपने यूज कर लिया। फॉर डेवलपिंग, फॉर आपका मॉडल वर्ब, सॉरी फॉर आपका प्रेपोजिशन हो गया, और उसके बाद आपने वी वन प्लस आई एन जी जो कि आपने जीरण यूज कर लिया। फीट आपका देखो यहाँ पर नाउन हो गया, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव का साउंड यहाँ पर वोवल है, तो यहाँ पर आपने एन यूज कर लिया। द सिंपलेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। हिज वर्क हैज हेल्प, और जो मतलब उनका जो वर्क है, यानी जो पीछे हमने बात की थी उनका, उनकी वर्क की अगर बात की जाए, जो थर्ड रिसर्चर है जो कि इटली रोम से है, तो उन्होंने उनके काम ने हैज हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो मॉडल है उसने मदद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर इन मैथमेटिक्स बायोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा, जॉर्जियो का जो कि हंगरी रोम से है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम थी, बायोलॉजी की कुछ प्रॉब्लम थी, और न्यूरोसाइंस
न्यूरोसाइंस हो गया आपका द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती है, उस सिस्टम को समझना न्यूरोसाइंस होता है। तो यानी कहीं ना कहीं उनके उस मॉडल ने, उस थ्योरी ने जो हमारे मैथमेटिक्स की, बायोलॉजी की या न्यूरोसाइंस की जो प्रॉब्लम्स है उसको सुलझा दिया। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, हाउ मेमरी स्टोर इन नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल्स, और किस तरीके से हमारी जो मेमोरी होती है वो स्टोर होती है, क्योंकि हमारा जो नर्व सेल्स है, मतलब बहुत हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, तो उन नर्व्स के अंदर हमारी मेमोरी किस तरीके से सेव होती है, स्टोर होती है। व्हाट टाइज, टाइज का मतलब यूनाइट करना, जोड़ना, टूगेदर द सीमिंगली, सीमिंगली का मतलब अपरेंटली, क्लियरली, डिस्पैरिट, डिस्पैरिट का मतलब डिफरेंट, अलग अलग वर्ग। तो यहां पर मतलब दो अलग अलग वर्ग को किस तरीके से जोड़ा गया, द क्लाइमेट साइंस वर्क बाय सुइकुरो, ये जो फर्स्ट रिसर्चर थे उन्होंने क्लाइमेट साइंस के ऊपर अपना थ्योरी दिया था, और हैसलमैन ऑन द अदर हैंड, और दूसरे जो रिसर्चर थे हैसलमैन, जिन्होंने थियोरिटिकल कंडेंस्ड मैटर के ऊपर, जिन्होंने ग्लास की थ्योरी दी थी, स्पिन ग्लास की थ्योरी दी थी उन्होंने, वर्क बाय पार्सी ऑन द अदर इज द बोथ डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम। अगर इन दोनों को अगर देखा जाए तो उन्होंने जो फिजिकल यानी भौतिकी विज्ञान के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो जटिल सिस्टम है, उसको समझाने की कोशिश की। फिजिक्स इज ऑफन थॉट ऑफ एज एन साइंस ऑफ सिंपल सिस्टम, फिजिक्स को हमेशा क्या माना जाता है, एक सिंपल, फिजिक्स को हमेशा एक साइंस माना जाता है जो कि एक सिंपल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, एंड मोस्टली सेलिब्रेटेड एप्रिशिएटेड एंड समटाइम चाइडेड का मतलब हो गया क्रिटिसाइज करना। और क्योंकि जो फिजिक्स है उसको साइंस तो माना, फिजिक्स साइंस तो है ही, लेकिन उसको हमेशा एक सिंपल सिस्टम माना गया है, जिसको अक्सर कई बार तो प्रेज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और कई बार उसको क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है फॉर दिस। इवन रॉकेट साइंस अगर बात की जाए, यानी फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो इजिली बहुत अच्छे से समझ आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी वहां पर है फॉर रॉकेट साइंस। और जिस तरीके से रॉकेट को बनाया गया, अगर उस साइंस की अगर बात की जाए, विच इंस्पायर्स मतलब हो गया यहाँ पर सरप्राइज। और अगर रॉकेट साइंस की अगर बात की जाए इंस्पायर्स ओम का मतलब यहाँ पर हो गया सरप्राइज। तो कहीं ना कहीं रॉकेट साइंस के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये हमें सरप्राइज कर देता है फॉर इट्स ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब मैग्निफिकेंस का मतलब हो गया शानदार, चमक, एंड एक्यूरेसी का मतलब हो गया बिल्कुल कोई भी चीज बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, एग्जैक्टनेस, एज मोस्टली द स्टडी ऑफ सो कॉल्ड सिंपल सिस्टम। और अगर हम देखें कि जो रॉकेट साइंस है वो भी मतलब किस तरीके से बनी है, बिल्कुल सिंपल सिस्टम के तहत बनी है, जिसके अंदर उसकी जो, क्योंकि रॉकेट बनाना अपने आप में क्या, रॉकेट इट्स ग्रैंडियर मतलब शान, एंड एक्यूरेसी बिल्कुल उसकी एग्जैक्टनेस की अगर बात की जाए, और अगर रॉकेट साइंस के पीछे की बात कही जाए तो उसके पीछे भी सिंपल सिस्टम फॉलो किया गया फिजिक्स का, यानी फिजिक्स की थ्योरी के तहत ही रॉकेट साइंस को बनाया गया, रॉकेट को बनाया गया है। कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलताएं जो है arises पैदा होती हैं when there are many interacting pieces, और मतलब जटिलताएं तब आती है जब बहुत सारे pieces को क्या कर दिया जाता है, interact किया जाता है। interact का मतलब ऐसे बातचीत करना होता है, लेकिन यहाँ पे interact का मतलब हो गया एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, मतलब जब किसी अलग अलग pieces को एक सिस्टम के तहत जोड़ दिया जाता है तो ऑब्वियसली बात है जटिलताएं वहां पर पैदा होती है। विद ईच मूविंग एंड इंडिपेंडेंट वे, क्योंकि हर एक पीस है, हर एक जो टूल है, हर एक जो पीस है, वो अपने ही तरीके से आजादी से क्या करता है, इंडिपेंडेंट तरीके से वो फंक्शन करता है, और जिसकी वजह से एक सिस्टम के अंदर अलग अलग टूल अगर अपने अपने तरीके से फंक्शन करेंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो बढ़ जाती है, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो हैज हेल्प आपने यूज कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट, इस्ट और बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, इज के बाद यहाँ पे सेलिब्रेटेड, और फिर यहाँ पर चाइल्डेड जो कि आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी पैसिव स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड व्हिच इज स्लाइड नंबर 4, डिसेप्टिवली। देखो डिसेप्टिवली का मीनिंग होता है मिसलीडिंगली, मतलब भ्रमक, जिसको मतलब जो धोखा देने वाला हो। इजी लुकिंग प्रॉब्लम ऑफ वॉटर रशिंग आउट ऑफ ए टैप,
जनरली हमने देखा है जो टैप होती है, जो नल होता है, उसे पानी रशिंग आउट का मतलब लीपिंग आउट, कमिंग आउट, यानी जनरली हमने देखा जो टैप होता है, नल जो होता है, उसमें जो पानी निकलता है वो हमें क्या लगता है, इजी लुकिंग दिखता है, मतलब वो क्या होता है, देखने में तो बहुत ईजी होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा डिसेप्टिव होता है, बहुत ज्यादा भ्रमक होता है। क्यों? उसके पीछे भी कोई ना कोई साइंस लगी होती है। टैप इज नोटोरियसली का मतलब हो गया साइलेंटली, मुख्य तौर से, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी जिस तरीके से टैप से जो पानी निकलता है वो दिखने में तो क्या लगता है, बहुत आसान लगता है लेकिन उसको समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। एज टू वेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब हो गया एक तरीके से कन्वर्जन या चेंज ओवर फ्रॉम सिंपल स्ट्रीम लाइन फ्लो टू अ कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट फ्लो। और ऑब्वियसली बात है, स्ट्रीम लाइन का मतलब जो फ्लो होता है, यानी जो पानी का जो सिंपल फ्लो होता है उसको किस तरीके से कॉम्प्लेक्स जटिल टर्बुलेंट का मतलब हो गया विद अ प्रेशर। तो किस तरीके से देखें, जो पानी होता है जब टैप से आता है, देखो पानी जब मतलब नीचे है तो ऑब्वियसली वो फ्लो कर रहा है तो उसमें कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पानी मतलब टैप से आने लग जाता है तो वो बिल्कुल टर्बुलेंट मतलब प्रेशर के साथ वो आता है। तो इसके पीछे भी एक साइंस है। तो दिखने में ये जो है कि पानी जो टैप से निकल रहा है तो वो ईजी है, लेकिन इसके पीछे भी कॉम्प्लेक्स साइंस है। द नोबल विनर्स, और ये जो जिन सभी को रिसर्चर्स को अभी नोबल प्राइज मिला है दिस ईयर, हैव हैंडेड सच कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, और उन्होंने जो ये कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स ये सिचुएशंस है, उनको बड़े इजीली तरीके से उनको हैंडल किया है एंड डेवलप टूल्स, और उन्होंने अलग अलग तरह के जो टूल्स हैं उनको विकसित किया है टू गेट मीनिंगफुल क्वांटिटी रिजल्ट, जिससे कि ऐसे रिजल्ट्स मिल सके जिनको मापा जा सके, क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके आउट ऑफ देम। यानी उनका जो रिसर्च रहा है वो रिसर्च काफी यूनिक रहा है, रिमार्केबल रहा है, और उन्होंने ऐसे टूल्स डेवलप किए जिससे कि इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको मापा जा सके। नोटेबल, उल्लेखनीय, इन दिस द क्लाइमेट साइंटिस्ट वर्क विच मेक्स इट ऑब्वियस वेयर साइंस स्टैंड ऑन द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और जहां तक अगर बात की जाए, जिन्होंने क्लाइमेट के ऊपर जो हमने रिसर्चर्स की बात की थी, जो साइंटिस्ट थे, उनकी जो रिसर्च है मेक्स इट ऑब्वियस, वो हमें इस बात को मतलब बताती है कहीं ना कहीं कि वेयर साइंस स्टैंड, कि साइंस कहां पर खड़ी है ऑन इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ये पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है वहां पर साइंस कहां पर खड़ी है, एंड एस्टिमेट्स इस बात का अंदाजा देना द ह्यूमन फिंगरप्रिंट ऑन क्लाइमेट चेंज, कि जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके अंदर जो ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स, जो ह्यूमंस हैं उनके जो उंगलियों के निशान, जो निशान है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। तो इन शॉर्ट मीनिंग ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो ह्यूमन बींग ही है, क्योंकि ह्यूमन बींग की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग की जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक थ्रेट बन चुका है, खतरा बन चुका है। विद COP26 समिट का मतलब कॉन्फ्रेंस हो गया एक तरीके से, COP देखो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ओके ये पूरा फॉर्म हो गया इसका, समिट ड्रॉइंग क्लॉज, और अभी मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो क्लाइमेट चेंज को लेकर एक समिट होने वाली है, उनका एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है। The Nobel Committee decision only underscores, underscore का मतलब किसी चीज को emphasize करना, किसी बात पर जोर डालना, the need to take this into account। और मान लो ये जो फिलहाल अगर बात की जाए, ये Nobel Prize Committee का जो decision है, उन्होंने physics के अंदर उन लोगों को Nobel Prizes दिए हैं जिन्होंने अपने remarkable theory present किया, और जिससे कि humanity को फायदा हो सकता है। और climate change की अगर बात की जाए, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो जो थ्योरी उन रिसर्चर्स ने दी, तो उस रिसर्चर्स की जो थ्योरी है उसको डेफिनेटली सी बात है आने वाला जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट चेंज को लेकर, और उन मतलब उस थ्योरी को डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उस जो नोबेल कमेटी डिसीजन है क्लाइमेट चेंज को लेकर, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उनको नोबेल प्राइजेस दिए गए, तो उन लोगों की थ्योरी को क्या किया जा सकता है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल किया जा सकता है, इसके ऊपर डिस्कस की जा सकती है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी थ्योरी के अंदर इस तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और किस तरीके से ह्यूमन बींग उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, राइट।
और कहीं ना कहीं अगर उनकी थ्योरी को डिस्कशन में लाया जाता है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी इसका निकल सकता है, राइट? सो दिस इज अ फर्स्ट स्लाइड. नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट. टू अंडरस्टैंड 2+V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इंफिनिटिव केस है. हैव हैंडल आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, राइट? सो माय डियर लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल. आई ट्रूली बिलीव कि आपको बहुत अच्छे से ये आर्टिकल समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care and have a nice day.